हेलो, आज मैं लेकर आई हूँ नाज़िम हिकमत की एक नज़्म जीने के बारे में। इसका हिंदुस्तानी में अनुवाद किया है दिगंबर ने। एक, जीना कोई हंसी मजाक नहीं, तुम्हें पूरी संजीदगी से जीना चाहिए, मसलन किसी गिलहरी की तरह। मेरा मतलब जिंदगी से परे और उससे ऊपर किसी भी चीज की तलाश किए बगैर। मतलब जीना तुम्हारा मुकम्मल कारोबार होना चाहिए। जीना कोई मजाक नहीं, इसे पूरी संजीदगी से लेना चाहिए। इतना और इस हद तक कि मसलन तुम्हारे हाथ बंधे हों पीठ के पीछे, पीठ सटी हो दीवार से, या फिर किसी लेबोरेटरी के अंदर सफेद कोट और हिफाजती चश्मे में तुम मर सकते हो लोगों के लिए, उन लोगों के लिए भी जिनसे कभी रूबरू नहीं हुए। हालांकि तुम्हें पता है जिंदगी सबसे असली, सबसे खूबसूरत शय है। मतलब तुम्हें जिंदगी को इतनी ही संजीदगी से लेना है कि मिसाल के लिए 70 की उम्र में भी तुम रोपो जैतून के पेड़, और वो भी महज अपने बच्चों की खातिर नहीं, बल्कि इसलिए कि भले ही तुम डरते हो मौत से, मगर यकीन नहीं करते उस पर, क्योंकि जिंदा रहना मेरे ख्याल से मौत से कहीं भारी है। दो, मान लो कि तुम बहुत ही बीमार हो, तुम्हें सर्जरी की जरूरत है। कहने का मतलब उस सफेद टेबल से शायद उठ भी ना पाओ। हालांकि ये मुमकिन नहीं कि हम दुखी ना हो थोड़ा पहले गुजर जाने को लेकर, फिर भी हम लतीफे सुनकर हंसेंगे, खिड़की से झांक कर बारिश का नजारा लेंगे, या बेचैनी से ताजा समाचारों का इंतजार करेंगे। फर्ज करो हम किसी मोर्चे पर हैं, रख लो किसी अहम चीज की खातिर, उसी वक्त वहां पहला भारी हमला हो, मुमकिन है हम औंधे मुंह गिरे मौत के मुंह में। अजीब गुस्से के साथ हम जानेंगे इसके बारे में, लेकिन फिर भी हम फिक्रमंद होंगे मौत को लेकर, जंग के नतीजों को लेकर जो सालों चलती रहेगी। फर्ज करो हम कैद खाने में हों, और वो भी तकरीबन 50 की उम्र में, और मान लो लोहे के दरवाजे खुलने में अभी 18 साल और बाकी हो। फिर भी हम जिएंगे बाहरी दुनिया के साथ, वहां के लोगों और जानवरों, जद्दोजहद और हवा के बीच, मतलब दीवारों से परे बाहर की दुनिया में। मतलब हम जहां और जिस हाल में हों, हमें इस तरह जीना चाहिए जैसे हम कभी मरेंगे ही नहीं। 3, ये धरती ठंडी हो जाएगी, तारों के बीच एक तारा और सबसे छोटे तारों में से एक नीले मखमल पर टका सुनहरा बूटा। मेरा मतलब है ये गजब की धरती हमारी, ये धरती ठंडी हो जाएगी एक दिन, बर्फ की एक सिल्ली के मानिंद नहीं, या किसी मरे हुए बादल की तरह भी नहीं, बल्कि एक खोखले अखरोट की तरह चारों ओर लुढ़केगी गहरे काले आकाश में। इस बात के लिए इसी वक्त मातम करना चाहिए तुम्हें, इस दुख को इसी वक्त महसूस करना होगा तुम्हें, क्योंकि दुनिया को इस हद तक प्यार करना जरूरी है। अगर तुम कहने जा रहे हो कि मैंने जिंदगी जी है,